अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, सेकंड ईयर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 15, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंटिन्यू है। आज हमने स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15.15 से। सो चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम है 15.15। क्वेश्चन है, अ डीसी मोटर ऑपरेट्स एट 240 वोल्ट्स एंड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम्स। व्हेन मोटर इज रनिंग एट नॉर्मल स्पीड द आर्मेचर करंट इज 15 एम्पियर, फाइंड द बैक ईएमएफ इन आर्मेचर। सो पहली हेडिंग बनेगी गिवन डेटा की। इसमें हमने सबसे पहले लिखना है ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ अ डीसी मोटर। सो वी इट हैज वैल्यू ऑफ 240 वोल्ट्स। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर कॉइल ऑफ द मोटर इज इक्वल टू आर एंड इट हैज द वैल्यू ऑफ 0.5 ओम्स। व्हेन मोटर इज रनिंग एट नॉर्मल स्पीड द आर्मेचर करंट इज 15 एम्पियर्स। सो व्हेन मोटर इज रनिंग एट नॉर्मल स्पीड द आर्मेचर करंट इज इक्वल टू 15 एम्पियर्स। और क्या पूछा गया है, फाइंड द बैक ईएमएफ इन द आर्मेचर। सो बैक ईएमएफ इन द आर्मेचर दैट इज इक्वल टू ई एंड इट हैज अ क्वेश्चन मार्क। तो हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। हेडिंग लिखते हैं सॉल्यूशन की। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात जानते हैं कि जैसे ही हम सर्किट ऑफ मोटर ऑन करते हैं, इसमें कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है। तो ये है डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की। और जब मोटर स्टार्ट होती है तो इसमें जो करंट कॉइल में फ्लो करता है, मोटर की कॉइल में, उसका एक्सप्रेशन वी ओवर आर से आता है, ओम्स लॉ के जरिए से। अब जैसे ही इसके अंदर से करंट फ्लो करता है, इसकी साइड्स बन जाती हैं करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है एफ बी इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी के तहत, जिसका डायरेक्शनल फार्मूला एफ बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एल यूनिट वेक्टर क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है। सो आई चूंकि कन्वेंशनल करंट है, इसलिए इसका पॉजिटिव सिंबल यहां पे मौजूद है। अब अगर रेफरेंस के तौर पे हम इस डायरेक्शन में एक्स, यहां पे वाई और यहां पे जेड डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, तो चूंकि लेंथ है वो करंट की डायरेक्शन में ली जाती है और इस साइड की जो लेंथ है वो अपवर्ड है, तो उसके लिए प्लस जे लिखा जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड आई साइड पे है। तो हम ये बात जानते हैं शॉर्टकट मेथड के तहत कि अगर इस तरीके से आई, जे और के हैट लिखे हों तो जे और आई का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस की होता है। सो इस जगह के ऊपर जो यूनिट वेक्टर आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स का, वो आ रहा है माइनस के। सो इस वजह से कॉइल की इस साइड के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है इनटू द पेज। सो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है एफ बी। और सेम लॉजिक यूज करते हुए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज आएगी, जिसकी वजह से ये मोटर रोटेशन करना स्टार्ट कर देगी इस डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ से देखते हैं इस मोटर को, तो जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, वो क्लॉकवाइज होगी।
अब जैसे ही ये क्वाइल रोटेट करना स्टार्ट करती है, तो क्वाइल अपने साथ पॉजिटिव चार्जेस को लेके रोटेट करती है। लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है इस वायर के अंदर, और ये पॉजिटिव चार्ज इनटू द पेज जा रहा है, और यहाँ पे प्लेस्ड पॉजिटिव चार्ज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर आ रहा है क्वाइल की रोटेशन के साथ साथ। इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी उसका एक्सप्रेशन एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होगा। चार्जेस हम अगेन पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्शनल फार्मूला जो बनेगा वो होगा एफ बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी क्रॉस बी यूनिट वेक्टर्स। अब यहाँ पे वेलोसिटी इनटू द पेज है इस साइड के ऊपर, सो इसलिए वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर माइनस के और मैग्नेटिक फील्ड का प्लस आई लिखा जाएगा। और हम ये बात जानते हैं कि जब हम के और आई को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस जी आंसर आता है, लेकिन बाहर माइनस लिखा हुआ है, सो माइनस जी आंसर आएगा। ये जो चार्ज कैरियर है इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगी डाउनवर्ड्स, और इसी तरीके से जो ये वाला चार्ज कैरियर है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देगी अपवर्ड्स। ये एंड पॉजिटिव बन जाएगा, ये एंड नेगेटिव बन जाएगा, और इसके दरमियान में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसे हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे। और अब हम यहां पे लिख सकते हैं व्हेन द मोटर इज रनिंग एट नॉर्मल स्पीड इट्स आर्मेचर करंट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन आई इज इक्वल टू वी माइनस ई ओवर आर। सिंस वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई, वी हैव टू रीअरेंज द एक्सप्रेशन। सो रीअरेंजमेंट्स करते हैं, आर इस साइड पे डिवाइड हो रहा है इक्वेशन की उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सप्रेशन होगा आई आर इज इक्वल टू वी माइनस ई। अब ई को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आए, ये बन जाएगा आई आर प्लस ई इज इक्वल टू वी। क्योंकि हमें ई फाइंड आउट करना है तो आई आर इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे जाएगा, इस तरफ प्लस है उस तरफ जाके माइनस लिखा जाएगा, और एक्सप्रेशन होगा वी माइनस आई आर। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट ई एम एफ ई इज इक्वल टू बैटरी का ऑपरेटिंग वोल्टेज है 240 वोल्ट्स, और मैक्सिमम रनिंग एंगुलर स्पीड के ऊपर जो आर्मेचर करंट है वो 15 एम्पियर्स है, जबकि रेजिस्टेंस ऑफ क्वाइल 0.5 ओम या हाफ ओम है। सो जब हम 15 को हाफ करेंगे तो एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा, वो होगा 7.5 एम्पियर्स इंटू ओहम, और एम्पियर इंटू ओहम वोल्ट के इक्वल होता है। आप 240 में से 7.5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर होगा 232.5 वोल्ट्स। इस बात को हम रिजल्ट की हेडिंग के अंदर डिस्क्राइब कर देंगे, क्या लिखा जाएगा, द बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द गिवन मोटर इज 232.5 वोल्ट्स व्हेन इट इज रनिंग एट नॉर्मल स्पीड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 15.16। स्टेटमेंट है अ कॉपर रिंग हैज रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 मिली ओम। अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस फ्रॉम 0.2 टेस्ला टू 0.4 टेस्ला इन टाइम इंटरवल ऑफ 5 × 10⁻³ सेकेंड, वट इज द करंट इन द रिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल। सो अगेन पहली हेडिंग क्या बनेगी, गिवन डेटा की। इसमें हमने
सबसे पहले क्या लिखना है, रेडियस ऑफ दी कॉपर रिंग इज इक्वल टू स्मॉल आर, इट हैज वैल्यू ऑफ 4.0 सेंटीमीटर और 4.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर्स। इसके बाद है रेजिस्टेंस, सो हम लिख लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द रिंग, इसके लिए कैपिटल आर सिंबल यूज होगा और वैल्यू है 1.0 मिली ओम्स या फिर 1.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 ओम्स। फिर यहां पे कहा गया है मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, सो एंगल द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद प्लेन ऑफ द रिंग, सो इस एंगल को गैमा का सिंबल असाइन कर रहे हैं और ये है परपेंडिकुलर की वजह से 90 डिग्री। इसके बाद हमने लिखना है एंगल द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद नॉर्मल टू द रिंग, इसे थीटा का नाम देंगे और इसकी वैल्यू 0 डिग्री है। ये हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इस वक्त जो स्टेटमेंट दी गई है उसके मुताबिक कॉपर रिंग इस तरह से बना है, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है वो इस तरह से पास कर रही है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन ऑफ द कॉयल है उसके साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन जो नॉर्मल टू द एरिया है जिसके साथ एरिया मैग्नीट्यूड को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वेक्टर एरिया आ जाता है। सो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो आपस में पैरेलल हैं। सो जो फाई का फार्मूला है बी ए कॉस थीटा, उसमें हमेशा नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल सब्स्टिट्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्या कहा गया है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस फ्रॉम 0.2 टेस्ला टू 0.4 टेस्ला, तो यहां पे हम लिख देते हैं इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी इनिशियल, इट हैज वैल्यू ऑफ 0.2 टेस्ला एंड फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी फाइनल, इट हैज वैल्यू ऑफ 0.4 टेस्ला। सो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू डेल्टा बी एंड इट इज इक्वल टू बी फाइनल माइनस बी इनिशियल और 0.4 टेस्ला माइनस 0.2 टेस्ला, सो डेल्टा बी इज 0.2 टेस्ला। टाइम इंटरवल है 5×10⁻³ - 3 सेकेंड्स, सो टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस इज इक्वल टू डेल्टा टी एंड इट हैज वैल्यू ऑफ 5×10⁻³ - 3 सेकेंड। नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड, सो रिक्वायर्ड की हेडिंग के अंदर हम क्या लिखेंगे, वट इज करंट इन द रिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल, सो करंट induced in the ring that is equal to I that is equal to ? So what is solution for our numerical from Ohm's law, E is equal to IR or I is equal to E over R, this is equation number 1. Now from
फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E is equal to minus N delta phi by delta T. So equation 1 becomes I is equal to 1 over R multiplied by minus N delta phi by delta T, or I is equal to minus N by R delta phi by delta T. इक्वेशन नंबर टू. नेक्स्ट हमने ये लिखना है, सिंस मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए और बी ए कॉस ऑफ थीटा, सो इक्वेशन टू बिकम्स आई इज इक्वल टू माइनस एन बाय आर डेल्टा बाय डेल्टा टी इज ऑपरेटर एंड फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा. अब हम यहां पे ये लिखेंगे, सिंस ओनली बी इज चेंजिंग सो आई इज इक्वल टू माइनस एन बाय आर डेल्टा बी बाय डेल्टा टी और साथ ए कॉस थीटा एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा एज कांस्टेंट टर्म. सो ये इक्वेशन नंबर 3 है. नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने यहां पे लिखना है since we are not concerned with the direction of induced current in the copper ring, so remove the नेगेटिव साइन. इक्वेशन बन जाएगी आई इज इक्वल टू एन बाय आर डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इंटू ए कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 4. अब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो लिखिए नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन values in equation 4 we get I is equal to, क्योंकि कहा गया है a copper ring, so number of turns कितने हुए 1, resistance उसकी कितनी है वो है 1 milli ohm, so 1.0 into 10 raised to power minus 3 ohms. magnetic field में आने वाला change कितना है वो है 0.2 tesla. किस टाइम इंटरवल में 5 × 10⁻³ - 3 सेकेंड्स में. एरिया कितना है, क्योंकि रिंग है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसलिए एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, इसलिए हम यहां पे पाई मल्टीप्लाई करेंगे और रेडियस ऑफ रिंग जिसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, 4.0 × 10⁻²⁻² मीटर उसका होल स्क्वायर पुट करेंगे और इसके अलावा कॉस थीटा में एंगल की वैल्यू 0 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे. cos 0 वैसे ही 1 होता है, सो I का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा I इज इक्वल टू 0.2 × π और जो स्क्वायर के अंदर मौजूद टर्म्स हैं उनका स्क्वायर लेने के बाद आंसर होगा 16 × 10⁻⁴ और डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है 5 × 10⁻³ × 10⁻³. यूनिट्स क्या हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड एंड ओम. सो अब आंसर विल बी इक्वल टू 201 एम्पियर्स. और अगर हम यूनिट कन्वर्जन देखना चाहें तो क्या यूनिट्स गिवन है, यूनिट्स गिवन है टेस्ला मीटर स्क्वायर ओवर ओम इंटू सेकेंड. सो सबसे पहले तो हमें टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को वोल्ट में कन्वर्ट करना है. सो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल, सो टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर. इससे एक्सप्रेशन बनेगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर और साथ मीटर स्क्वायर
ओवर ओम सेकंड एज इट इज, एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सप्रेशन होगा न्यूटन मीटर ओवर एम्पेयर सेकंड इनटू ओम्स। नाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी, सो जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, एंड क्यू इज इक्वल टू आई टी, सो कूलम इज इक्वल टू एम्पेयर सेकंड, सो एक्सप्रेशन इज जूल पर कूलम इनटू ओम्स। नाउ द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, ये वाला जूल पर कूलम क्या लिखा जाएगा, वोल्ट, एंड वोल्ट पर ओम। फिर ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है, इसलिए हम एम्पेयर को रिप्लेस कर सकते हैं वोल्ट ओवर ओम के साथ। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन के आंसर के यूनिट्स एम्पेयर्स में आते हैं। हम आंसर को रिजल्ट की सूरत में डिस्क्राइब कर देते हैं, लिखा जाएगा द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉपर रिंग हैज द वैल्यू ऑफ 201 एम्पेयर। डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड होंगे, सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।